बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। ये देखें, आज सुबह भी बहुत ठंड है और वो देखें पहाड़ों के सामने जो है वो बर्फ़ अभी और ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दाल चना जो है वो बना रही हूँ। तो ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको हल्का सा ऑयल में जो है वो रेड करूँगी, तो इसके साथ ही थोड़ा सा मैं चिकन इसमें शामिल करूँगी और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो इसमें मैं साथ थोड़ा सा चिकन डालूँगी, तो वो साथ में जब तक ये प्याज रेड होंगे तो तब तक वो भी चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। नमक अभी मैं पहले ही प्याज में इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि जब ये फ्राई होगा चिकन तो अच्छी तरह से उसमें भी शामिल हो जाएगा। प्याज इसमें मैं थोड़ा सा चिकन डाल रही हूँ। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी। आज मैं दाल जो है वो कुकर में पका रही हूँ, इससे मिनटों में ये है बन जाती है। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको बंद करेंगे और फिर एक दफ़ा फिर दोबारा इसको तड़का लगाएंगे। अब साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही टमाटर फिर इसमें डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। और आप इसके साथ हल्का सा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। दो मिनट इसको भूनेंगे फिर इसमें दाल शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है, तो अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दाल शामिल की है तो अब हम इसको थोड़ी देर भून के तो फिर इसको हम पानी डाल के फिर कुकर को बंद कर देंगे। इसमें पानी डाल दिया है और अब ये तकरीबन इतना पानी डाला है कि दाल जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको उबाल आने तक इसको बंद करेंगे और फिर 10 मिनट तक इसको लगा रहने देंगे मीडियम आंच पर। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और साथ में अब अलग से इसको तड़का भी लगाएंगे। ऑयल में ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का फ्राई। अब इस करके को दाल में शामिल करेंगे और अब इसको सही मिक्स होने तक पकाएंगे और फिर इसमें मक्खन डालेंगे।
इससे दाल का जायका बहुत मज़े का बनता है। मक्खन डाल के फिर इसमें सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत मज़े की मिक्स दाल हो गई है और आप इसमें सब्ज़ धनिया और साथ में मेथी शामिल करेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। इसको हम आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे तम पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये माशाल्लाह दाल बिल्कुल तैयार है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां दे, अपनी बुरी आफत मुसीबत परेशानी से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबको इसको 1 मिनट के लिए और पकाएँगे ताकि ये बिल्कुल जो अपने हिसाब पर आ जाए। मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ी सी, अभी इसको 1 मिनट और दम पे रखूँगी तो फिर मैं इसको उतारूँगी। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे, बहुत सी खुशियाँ दे, खुशियों भरी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ दे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।